मैंने आज का पर्पस ये था व्लॉगिंग करने का कि मेरा नया कैमरा लिया था सोनी अल्फा 6400 और उसमें बोया माइक लगा हुआ है, तो उसको टेस्ट करने का भी पर्पस था बिकॉज हे गाइस दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो व्लॉग है, आज एक डेली लाइफ वाला व्लॉग होने वाला है और मेरा फ्रेंड आया हुआ है भरत गेड़ी मारने के लिए। हाय, काफ़ी सालों बाद मिले हैं हम लोग। और दूसरा जो फ्रेंड है पुनीत, उसको उससे तो आप लोग मिले हो, वीडियो में भी देखा होगा आपने। वो वाली वीडियो थी ना छोटा कैलाश वाली, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, काफ़ी अच्छी जगह है, टॉप व्यू अमेजिंग है, हल्द्वानी से बिल्कुल नज़दीक में है। सो फिलहाल हम जा रहे हैं उसी के घर, पुनीत के घर। हम लोग जब भी मिलते हैं तो कभी ना कभी कारों की बात होती है, तो हम लोग किसी ना किसी शोरूम में जाके एक राउंड वो मारी आते, टेस्ट ड्राइव ले ही आते हैं। तो अभी फिलहाल टियागो के बारे में काफ़ी सुनाई पड़ रहा है आजकल, तो हम लोग अभी जा रहे हैं टाटा के शोरूम में हल्द्वानी के, और वहाँ जाके थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेंगे टाटा टियागो की भी और अल्ट्रोस की भी। से एक बात तो माननी पड़ेगी, हल्द्वानी में दिन पे दिन गाड़ियाँ इतनी बढ़ते जा रही है ना, आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि साला यहाँ चंडीगढ़ ऐसा हाल हो जाएगा, लोगों के पास गाड़ियाँ इतनी हो जाएंगी लेकिन खड़ी करने की जगह नहीं होगी। हो सकता है क्या पटेल ऐसा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये होने वाला, अभी कुछ ही सालों में होगा। अरे देखियो, आल्टो बच रही गई। अरे बहुत पीछे हो। अरे नहीं, मैं उसकी बहुत करीब ले जाऊंगा। अच्छा, चल दिख जाएगा आपको। सो गाइस, फिलहाल हम पहुंच गए हैं पुनीत के घर और एज ऑलवेज लेट, लतीफ अभी भी नहा रहा है। हमने एक घंटा पहले फोन करके बोल दिया था, हमेशा की तरह। थैंक यू बहन, छुट्टी थी? हां जी। अरे इनकी इनकी भरत की किनकी किनकी, तभी तो आया है। कहां था? छुट्टी है, तुम तो आ गया। मैं कंपनी होता, मैं टाइम होता मैं कंपनी का। इसको तो आपने पहचान ही लिया होगा, छोटा क्लास वाली वीडियो में धूम मचा रही थी, ब्लॉग बन रहा है यहाँ तगड़ा वाला। और बेसिकली एक खुशखबरी है, भाई की शादी होने वाली है, बैंड बजने वाला है, बैंड बजने वाला है। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग देखना है इसकी शादी का, यहाँ के कुमाऊं में कैसी शादी होती है उत्तराखंड में, हमारे पूरी पहाड़ी वाली स्टाइल में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं जरूर पूरी ब्लॉगिंग करूंगा इसकी शादी की। बिल्कुल पक्का रहेगी, है ना? डन। पैसे कोई पसंद आई तो ना, उसका नंबर कौन दिलवाएगा? पसंद आई तो ये देख लो, ये लौंडा जो है ये शादीशुदा है, इसकी एक बच्ची है छोटी, इसकी शादी में पसंद आए तो उसका नंबर हम अरेंज करवाएंगे। मास्क आजकल इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों? मास्क बहुत जरूरी है, चलान कट रहा है उसके लिए ज्यादा जरूरी है, वैसे तो बची जाएंगे। लोगों को चलान की चिंता है, अपनी खुद की चिंता नहीं। अरे वी आर पहाड़ीज, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कोरोना ले आया भाई मास्क? हां भाई मास्क ले आया भाई। अरे पुनीत, हां भाई, हम लोगों की इम्यूनिटी में कोई कमी है क्या? अरे हम इंडियंस हैं यार, बचपन से भयंकर खा रहे हैं जड़ी बूटियां, साला अब भी हमारे को होगा क्या? कौन सी जड़ी बूटी खाते हो बे? कौन सी जड़ी बूटी खाते हो बे? तुम्हें मसालों के बारे में पता नहीं शायद। हम जा रहे हैं घर, वहाँ घर कह रहा हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं, उसके घर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ किया शोरूम। भाई सरप्राइज, टाटा शोरूम भाई, तेरी बारात जाएगी किया में, सेल्टोस में जा रहे हैं गाड़ी लेने। अरे भाई टाटा का करो टाटा है। अरे भाई तब क्या जमा है भाई, एक नंबर, टाटा का करो टाटा। इसलिए सीधे चलेंगे, अपना गाड़ी लेंगे। तो बुकिंग कर दी पहले? अरे बुकिंग क्या, आज गाड़ी डिलीवरी मिल रही है तो बुकिंग की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, फिलहाल हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी के टाटा मोटर्स शोरूम में, चलिए अंदर चल के देख के आते हैं कैसी है गाड़ी। कोरोना फ्री चल रहा है आपको, फ्री शुगर फ्री है ना? बिल्कुल सही है, इसमें भी लगा दो यार। सर वीडियो वीडियो बना रहे हो? हाँ यार, आप भी आ गए हो वीडियो में। बंद कर दो, अपना हार्डकोर रिव्यू दिया जाएगा अंदर। सो गाइस, ये हम बैठ गए हैं टाटा टियागो में, तो बेसिकली भरत है मेरे साथ, जिन्होंने बचपन से काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में।
तो भाई बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें अंदर, क्या क्या चीज़ें सही लग रही है, क्या क्या चीज़ें खराब लग रही है इंटीरियर के मामले में? इंटीरियर के मामले में मैं क्या बताऊँ आपको, इसके अंदर ना मारुति 800 का लुक है, ये वाला लुक ना पूरा 800 है, बिलो से तो 800 ही थोड़ा, मतलब बीइंग अ टॉप क्लास मॉडल इसमें प्रीमियम फील नहीं आ रहा है, बिल्कुल फील नहीं आ रहा है, प्लास्टिक जो है बहुत लो क्वालिटी का, चीप हो गया एकदम, इससे अच्छा तो मेरी इग्निस में है। ये इसका फर्स्ट लुक है, क्या बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर नहीं, इसको पूरे को सिस्टम को कुछ बोलते हैं यार, ऑडोमीटर, कनेक्ट कर इससे, ब्लूटूथ कनेक्ट कर। सो ये आपको फर्स्ट इंप्रेशन मिलेगा स्क्रीन का, है ना, क्या पता तुम लोग लेके आए साला दादा, ये टच स्क्रीन है एकदम यार, हां टच स्क्रीन है बिल्कुल, चल रहा है टैप टैप ऑन पावर, अच्छा ओके, हम गाने ऑन करेंगे इसमें, कोशिश चल रही है पूरी, कोई बेस अच्छा वाला। सो गाइस इसमें बता दूं आपको, यहाँ पे दो स्पीकर यहाँ हैं, दो स्पीकर यहाँ पे हैं, JBL के स्पीकर है इसमें, और अर्बन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूजिक बढ़िया लगा है हमें यहाँ पे, और इसका ये पियानो फिनिश, बॉटम फ्लैट बॉटम, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जो कि काफ़ी लुक में अच्छा लग रहा है, स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक भी है शायद इसका, चांद तारे भी दिख जाएंगे, टेलीस्कोपिंग है, चांद तारे दिख जाएंगे यार, टेलीस्कोपिंग होता है ना ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा, और यहाँ पे व्हाइट आपको एलईडी मिल जाएगी, ओह व्हाइट लाइट भी हो गया बीच में यहाँ जानी है, तो पता नहीं इस व्लॉग को मैं अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा लेकिन जो भी है रिकॉर्ड कर लिया है। सो गाइस फिलहाल हम टाटा के शोरूम से तो वापस आ गए हैं, बट वहाँ पे हम टेस्ट ड्राइव नहीं लेके आए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं थी, हालांकि हमने सुबह बुकिंग करा के आए थे, और हमको कुछ दिन पहले मैं अकेले भी आया था, तो उन्होंने बोला था कि जब आओगे तो बता के आना, और हम बता के भी आए, फिर भी गाड़ी अवेलेबल नहीं हुई, हालांकि उन्होंने सुबह बोला था कि आ जाना आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी, बट समहाउ उन्होंने बोला कि आप जहाँ रहते हो हम वहीं भिजवा देंगे गाड़ी शाम तक, देखते हैं आज वो भिजवाते नहीं भिजवाते हैं, बट फिर भी एक निराशा हमें देखने को मिली, बिकॉज हम लोग काफ़ी मन बना के आए थे कि सुबह से यार गाड़ी चलाएंगे देखेंगे कैसी है, और अगर अच्छी लगती तो बुक भी करा लेते। मैंने आज का पर्पस ये था ब्लॉगिंग करने का, कि मेरा नया कैमरा लिया था सोनी अल्फा 6400, और उसमें बोया माइक लगा हुआ है, तो उसको टेस्ट करने का भी पर्पस था, बिकॉज क्योंकि अगर स्टार्टिंग में सीधे ब्लॉगिंग करने लग जाओ और पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पता लगा रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग में वॉइस ही ना आए, तो ये भी एक पर्पस था, तो लेट्स सी कैसी रही रिकॉर्डिंग आज की, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।